पंजाब में फिर मिलेंगे भाजपा और अकाली दल के हाथ। सुनील जाखड़ की नियुक्ति के बाद मिलने लगे संकेत। 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपना शासन जारी रखने के लिए देश भर में अपने पूरा सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि भगवा पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। किसानों के आंदोलन के समय सियद ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। भाजपा ने बाद में किसी कानूनों को रद्द कर दिया, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस दौरान भाजपा के अपने दो दशक पुराने गठबंधन के साथी को भी खो दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि भाजपा पंजाब में एक मजबूत साथी की अहमियत का एहसास हो गया है। भाजपा द्वारा दिए गए हालिया संकेत भगवा पार्टी के इरादे और संभावित गठबंधन के आह्वान को स्पष्ट करते हुए 25 जून को चंडीगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा अकाली दल सहित पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगियों का सम्मान करना जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मुझे प्रकाश सिंह बादल की याद आती है और आप कहेंगे प्रकाश सिंह बादल की पार्टी अलग हो गई है और मुझे उनकी याद क्यों आ रही है। हमारा बहुत पुराना रिश्ता था, किसी कारणवश उनकी पार्टी अब NDA का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा NDA सहयोगियों का सम्मान करते हैं। नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के पहले दौरे से पहले ही अमृतसर में भाजपा हलकों के भीतर उन्मादी गतिविधियों की सुगुंगाहट देखी गई। उत्साह से भरे हुआ और अनुभवी भाजपा नेता गुरुवार को सुनील जाखड़ के नई भूमिका में भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए। उनमें से कई अपने प्रभावशाली अखाड़ों तक पहुंचने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने और पार्टी के भीतर प्रमुख भूमिकाएं सुरक्षित करने के लिए बेतासा फोन कॉल करते रहे। रिपोर्ट में भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावित घोषणा की ओर इशारा किया गया है। अटकलें यह भी है कि सियद अध्यक्ष और फिरोजपुर से लोकसभा सांसद सुखबीर सिंह बादल या उनकी पत्नी भटिंडा से सांसद हरमीत कौर बादल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के भीतर मंत्री पद सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच दोबारा गठबंधन का ऐलान आज किया जा सकता है। इससे पहले चंडीगढ़ में आज अकाली दल जिला इंचार्जों विधानसभा हलका इंचार्जों की एक बैठक हुई। बुधवार को सियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के विदेश से वापस आने के बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब BJP नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में गठबंधन की घोषणा हो सकती है। सियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की ओर इशारा करते हुए गठबंधन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अकाली दल के नेताओं के बीच से गठबंधन के सवाल पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की बात कही। अकाली दल नेता बिरसा सिंह पलटवा, नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा समेत अन्य नेताओं ने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेने की बात कही। किसान आंदोलन के दौरान टूटा था ये पूरा मामला। आपको बता दें कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और BJP के कई चुनाव एक साथ लड़े हैं। पिछला चुनाव भी दोनों पार्टियों के साथ ही लड़ा था, लेकिन किसान आंदोलन के समय दोनों पार्टियों का गठबंधन टूटा था, जिसके बाद जालंधर उपचुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा और दोनों ही पार्टियों की करारी हार हुई। लेकिन जालंधर उपचुनाव के नतीजे दोनों ही पार्टियों को एक सीख दे दिए और वहीं अगर वो साथ होकर लड़ते तो उपचुनाव में भी जीत हासिल की जा सकती है। अकाली दल BJP के गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन पहले से ही तय था, बल्कि दोनों पार्टियां साथ